आदर्श स्कूल बल्द कलां दे अध्यापकों ने अपनी मंगां दे बारे सरकार अते मैनेजमेंट दे वल्लों कोई हां पक्खी फैसला ना लैण ते हलका विधायक बाबू प्रकाश चंद गर्ग की कोठी अगे धरना दे के नारेबाजी की। इस मौके अध्यापकों ने दोष लाया कि हलका विधायक वल्लों उन्हां दी मीटिंग DGSE नाल करवाउण दे बाद भी स्कूल मैनेजमेंट उन्हां दीआं मंगां वल कोई ध्यान नहीं दे रही ते मरण वरत ते बैठे उन्हां दे साथी भगवंत सिंह अते अमरिंदर सिंह की हालत नाजुक हो गई है, इसलिए वह अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए श्री गर्ग को आए। इस उपरंत उन्होंने श्री गर्ग नाल मुलाकात की। गर्ग ने उन्होंने भरोसा दवाया कि वह जल्दी ही सिक्ख्या मंत्री को मुद्दा उठाएंगे तो विधानसभा इन स्कूलों बारे पक्ष रखेंगे, पर उन्होंने अध्यापकों भी अपील की है कि वह अपने स्कूलों पढ़ते बच्चों प्रति सोचन, परंतु वह उन्होंने नाल ने। इस उपरंत इस मसले पर सोमवार तक कोई गल करते अध्यापक मीटिंग च उठ के बाहर आ गए तो अगली रणनीति तय करन दा ऐलान करन दे लई समूह अध्यापकों की मीटिंग सदन का ऐलान कर दिता। साडा जिहड़ा संघर्ष आ सानू पिछले 5-6 महीनों तो ही पता लग्या कि RTI दे थ्रू वो भी सानू किसी ने कोई जानकारी नहीं दी वे किहदे अंडर चलते हैं जी, किवें चलते हैं। एक पासे सरकार लारे लाउंदी आ जां कहिंदी आ असीं तरक्की करती गई असीं आदर्श स्कूल चला रहे हैं जी, साडे ड्रीम प्रोजैक्ट ने। सानू तां अज तक यही नहीं पता भी साडा बाली वारस कौन आ, तरक्की दे नां ते लुट हो रही आ। असीं तां यह कहना चाहवांगे साडे नाल घट्टो घट मैनेजमेंट दीआं 10-12 बार मीटिंग्स हो चुकिया ने जिहड़ियां कि अज तक बेसिट आ रही ने बिल्कुल भी। जिहड़ी मीटिंग है तो वह होई तो 7 घंटे मीटिंग चली, उस तो बाद रिजल्ट की निकलिया बेसिट्टा, कुछ भी नहीं मनिया कोई भी, कहिंदे जी हले होर दिन 2 दिन दो 4 दिन दो, जदों कि कोई मरदा नहीं उन्नी देर तक हिसाब नाल जी दिन लई जांदे ने। उन्होंने साडे बंदिआं दी हालत नहीं दिखदी कि कोई पानी के नाल 7-8 दिन तो बाद कट सकता, जो उन्होंने बच्चों उन्होंने साडे मुंडिआं नूं कुछ हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेवारी साडे वालों प्रशासन दी होगी, मैनेजमेंट दे CO दी होगी ते प्रिंसीपल ललित शर्मा दी होगी, ललित नीरू सब दा नाल सब दी होगी ना जिहड़े 5 स्कूलों के प्रिंसीपल ने। तो आजाद TV न्यूज़ दे लई मनोज शर्मा दी रिपोर्ट।